हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों ने की बजट की सराहना। हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा तायल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में महिलाओं, कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों व गरीब व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकानों के निर्माण के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीने के पानी की योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कर्मचारियों को पेंशन में टैक्स में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजीव जैन जी, उनके नेतृत्व में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हमने उनके कंधों को मजबूत करना है। हरियाणा प्रदेश वैसे महासम्मेलन का जो ये मंच है, इस पर हमने पूरा जोर लगाना है, इसको पूरा ऊंचा खड़ा करना, हमने संगठन को मजबूत करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने इस संगठन के साथ जोड़ना है। और जैसा कि मुझे भी महिला का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है हरियाणा प्रदेश वैसे महासम्मेलन का, तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा बहनों को इस मंच के साथ जोड़ो। पूरे हरियाणा से, पूरे जिले से जितने भी बहने हो सके मेरे पास साथ जोड़ो। और यहाँ आपके जिन से भी सियाराम गोयल जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं इस मंच के, तो सियाराम गोयल जी के साथ भी पूरी टीम खड़ी करनी है और इनको भी मजबूत करना है, इनके कंधों को, इनके नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा लोग जिन से जुड़े और संगठन को मजबूती मिले।